हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर थार नगरी जिला मुख्यालय में इन दिनों रोडवेज की बसें हरिद्वार नहीं जा रही हैं। इनकी वजह यूपी और उत्तराखंड राजस्थान की रोडवेज प्रवेश नहीं होने के कारण लॉकडाउन के बाद रोडवेज की बसें बंद रखी गई हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय में 36 कौम के लोग अपने परिजनों का अस्थि कलश हरिद्वार पशुओं के माध्यम से जाते थे। फिलहाल इन दिनों बाड़मेर से रोडवेज बस बाड़मेर फिलौदी बीकानेर हनुमानगढ़ होते हुए इस रूट से हरिद्वार की ओर जाती थी। फिलहाल यूपी प्रदेश व उत्तर प्रदेश में राजस्थान की बसों का प्रवेश करने के लिए रोक लगाई गई। इस कारण बाड़मेर के 36 कौम के लोग अपने परिवार में किसी का सस्ता होने के बाद उनकी अस्थियां हरिद्वार में बहने के लिए ले जाते हैं। फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। बाड़मेर रोडवेज प्रबंधक उमेश सागर ने बताया, यूपी उत्तर प्रदेश की रोक होने की वजह से इन बसों को दूसरे रूट पर चलाई जा रही है। जब सरकार के आदेश आने के बाद देश में रोडवेज शुरू की जाएगी। फिलहाल बाड़मेर लोगों परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए उमेश नागर रोडवेज प्रबंधक बाड़मेर इन्होंने ये कहा, वहाँ पे बस सर्विस चल रही थी, अभी कितने समय से बंद है और क्यों बंद है, क्या रीजन? लॉकडाउन के बाद से यूपी प्रशासन द्वारा निगम की बसों के लिए अभी इजाज़त नहीं दी गई है कि बसें यूपी होते हुए उत्तराखंड जा सकें, इसलिए रोडवेज की बसें बाड़मेर फलौदी आगरा में बंद नहीं जा पाई। तो सर किस किस रूट से जाती थी अब क्या? बाड़मेर आगार के शिव बाड़ का होते हुए पोखरण फलौदी बीकानेर हिसार होते हुए हरिद्वार जाया करती थी। तो वर्तमान में यूपी सरकार द्वारा परमिशन नहीं दिए जाने के कारण उक्त बस सेवा बंद करी। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।